Good morning, dear students. Again, welcome in class 8th Physics and the chapter Sound. Okay, we already complete all the topics important topics. Okay, and I hope you make your notes in your note copy. Okay, now. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम एक्सरसाइज क्वेश्चन ओके सो फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फर्स्ट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू डैश साउंड किस में ट्रैवल नहीं करता है पहला है सॉलिड लिक्विड वैक्यूम एंड गैसेस Okay? मैंने आपको बताया था साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है इसीलिए साउंड सॉलिड में साउंड ट्रैवल करेगा लिक्विड में भी करेगा गैसेस में भी करेगा लेकिन वैक्यूम का मतलब यह क्या होता है देर इज़ नो एयर जहाँ पर एयर की एब्सेंस हो तो उसमें साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा वैक्यूम ठीक है नाउ सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लो पिच ओके लो पिच किसकी होगी ऑप्शन है मैन अ वैन अ बेबी बॉय एंड अ बेबी गर्ल ठीक है मैंने आपको बताया था वुमेन की सबसे ज्यादा पिच होती है श्रिल पिच का मतलब श्रिल कितनी तीखी आवाज़ जो है वो निकालते हैं बेबी बॉय की भी होगी और बेबी गर्ल की भी होगी लेकिन मैन की जो वॉइस है वो थोड़ी सी क्या होती है थ्रील कम होती है ठीक है मोटी आवाज़ होती है इसीलिए उसकी पिच क्या होगी कम होगी नेक्स्ट द डेसीबल इज़ अ यूनिट दैट मेजर्स डेसीबल जो है वो क्या मेज़र करता है लाउडनेस पिच फ्रीक्वेंसी क्वालिटी आपको मालूम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्स में मेजर की जाती है लेकिन डेसीबल जो है वो हम लाउडनेस के लिए यूज़ करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड वाले का लाउडनेस ओके okay? नाउ थर्ड फोर्थ क्वेश्चन अ voice वॉइस इज़ हाई पिच देन अन्स वॉइस बिकॉज हर वोकल कोड्स आर ठीक है जो वुमेन्स की वॉइस होती है वो ज़्यादा पिच की होती है एज़ कम्पेयर टू मैंस voice. इसका सीधा सा रीज़न ये है कि उनकी जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो क्या होती है बिल्कुल शॉर्टर होती है वोकल कॉर्ड स्टार्टर होगी तो जो साउंड निकलेगा वो कैसा निकलेगा श्रील निकलेगा ओके okay? लॉन्गर नहीं होती है मॉडरेट नहीं होती है स्ट्रेच भी नहीं होती तो आंसर क्या हो जाएगा इसका शॉर्टर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन नॉइज़ पॉल्यूशन किस से नहीं होता है ऑटोमोबाइल्स बिल्कुल होता है लाउड स्पीकर बिल्कुल होता है ठीक है मृदंगम ये और चौथा है एरोप्लेन ठीक है तो जो मृदंगम है उससे नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है मृदंगम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूजिक प्रोड्यूस करता है इससे नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता है तो आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा आपका मृदंगम ओके नाउ नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट द साउंड की जो पिच है वो किस पर डिपेंड करती है वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड मटेरियल लाउडनेस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वाइब्रेशंस ओके उसके बाद डैश करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्प्लीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ठीक है इन चारों में से फ्रीक्वेंसी क्वालिटी लाउडनेस टाइम पीरियड इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के साउंड की जो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका लाउडनेस ठीक है लाउडनेस एंड एटथ क्वेश्चन इन डैश मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टेड ठीक है आपके पास में लिक्विड है सॉलिड है गैसेस है वैक्यूम है वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल नहीं करता अभी हम देख चुके हैं ठीक है तो सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करता है वो किस में करता है सॉलिड के अंदर ट्रेवल करता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सॉलिड सेकेंड लुक एट द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन इन फिगर ए साउंड इज प्रोड्यूस बाय टू रबर बैंड्स बिकॉज ऑफ देयर व्हाट वाइब्रेशंस ठीक है ये जो रबर बैंड्स है ये वाइब्रेट होगी तभी साउंड क्या होगा प्रोड्यूस होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वाइब्रेशन अब यहाँ पे लिख देंगे वाइब्रेशंस ठीक है नाउ इफ द रबर बैंड्स आर टू मच स्ट्रेच अगर रबर बैंड बहुत ही ज्यादा हम स्ट्रेच करेंगे तो साउंड कैसा प्रोड्यूस होगा कैसा प्रोड्यूस होगा लो पिच होगा या लो एम्पलीट्यूड होगा हाई पिच होगा या हाई एम्पलीट्यूड होगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हाई पिचड साउंड कैसा होगा हाई पिचड ओके हाई पिचड का मतलब ये है कि उसकी जो वॉइस है उसका जो मैग्नीट्यूड है या एम्पलीट्यूड है वो भी क्या होगा ज़्यादा होगा फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग देखें इधर साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट में आपका आंसर क्या आ जाएगा वाइब्रेशंस ये इम्पोर्टेंट है ठीक है सेकेंड डैश द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड द डैश विल बी इट्स पिच हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हायर विल बी इट्स पिच ओके ये हम पहले देख चुके हैं जितना जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा पिच होगा ओके नाउ साउंड ट्रैवल्स विथ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया साउंड ट्रैवल्स विथ डिफरेंट स्पीड साउंड जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से क्या करती है ट्रैवल करती है ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्वालिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड इट्स टोन हमने पहले भी देखा था टोन क्या होता है तो साउंड की जो क्वालिटी है उसको हम क्या बोलते हैं टोन बोलते हैं ओके okay? एंड फिफ्थ द डैश कलेक्ट साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर कैनाल तो उसका आंसर यह हो जाएगा पीना हम देख चुके पहले जब हमने ह्यूमन ईयर का कंस्ट्रक्शन देखा था तो उसमें जो पीना है वो क्या करती है साउंड को साउंड वेव को कलेक्ट करती है और डायरेक्ट ईयर कैनाल में उसको ट्रांसफ़र करती है ओके okay? नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ठीक है आप अपने फेयर कॉपी में सबसे पहले टिक द करेक्टर लिख लीजिए दोनों आठ क्वेश्चन ही लिख लीजिए टू क्वेश्चन ही लिख लीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद आंसर क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं वेरी शॉर्ट है आपका शॉर्ट आंसर है लॉन्ग आंसर है, है उन सभी की मैं आपको पी सेंड कर दूँगा तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे ओके